फाइनली आईआरसीसी यानी पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा की जो स्ट्राइक है वो खत्म होने जा रही है और वीजा प्रोसेसेस में और तेजी जल्दी आ जाएगी। पर पूरी तरह स्ट्राइक खत्म नहीं हुई, कुछ एम्प्लॉयज फिर भी स्ट्राइक के ऊपर होंगे। क्या चेंजेस आए हैं वो सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आज की इस वीडियो में, लाइव एंड डायरेक्ट, एब्सोल्युटली अनएडिटेड। क्योंकि जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया कि इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो उसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो स्ट्राइक है आईआरसीसी की वो खत्म होने जा रही है, विच मीन्स कि वीजा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। तकरीबन यू नो 1 लाख 1.5 लाख जो एम्प्लॉयज थे फेडरल के वो स्ट्राइक के ऊपर थे, पर यू नो काफी दिनों से सर्विसेज डिस्टर्ब्ड हैं। उसमें कनाडा रेवेन्यू एजेंसी थी, इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा के एम्प्लॉयज थे, उसके साथ साथ और भी जो फेडरल यू नो बॉडीज हैं वो सारे एम्प्लॉयज स्ट्राइक के ऊपर थे। अब इन 150 एम्प्लॉयज में से तकरीबन 1,20,000 एम्प्लॉयज वापस काम पे चले जाएंगे, विच मीन्स स्पेशली आईआरसीसी के इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा के जो एम्प्लॉयज हैं वो काम पे वापस चले जाएंगे, जो आपके यहाँ के स्टडी परमिट्स, वर्क परमिट्स, या फिर अगर हम कहते हैं कि जिनकी पीआर की फाइल्स लगी हुई थी, जो लोग प्रोसेस कर रहे थे वो लोग स्ट्राइक पे थे, अब वो वापस काम पे जा रहे हैं। अच्छी बात ये है कि यार ये स्ट्राइक यू नो पूरी कंप्लीट हो चुके या फिर समझौता हो चुका है, अग्रीमेंट हो चुका है, अच्छी बात है। और बेस्ट थिंग ये है कि जिनकी फाइल्स पीआर की लग रही थी वो सफर अब नहीं करेंगे, वर्क परमिट के डिलेज आए हैं वो नहीं होंगे। बट हाँ, अगर आप ये सोचो कि राइट अवे इंप्रूवमेंट हो जाएगी या राइट अवे जो वीजा प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगी या फिर आईआरसीसी की सर्विसेज फास्ट हो जाएंगी, तो ये नहीं है। क्योंकि जो लोग इस ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन से स्ट्राइक पे थे, राइट, तो उसकी वजह से जो डिलेज हैं वो तो रहेंगी ही। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स के थ्रू आया है वो ये है कि इंडिया का जो यू नो वीजा ऑफिस है दिल्ली में या फिर यू नो मुंबई में है या फिर सिंगापुर में, दुबई में, क्या इन वीजा ऑफिसेस में भी डिले आएगा? तो नहीं, वो वाले जो ऑफिसर्स थे वो स्ट्राइक पे नहीं थे। और वैसे भी जो सारे के सारे ऑफिसर्स हैं आईआरसीसी के या आईआरसीसी का जो स्टाफ था वो सारे का सारा स्ट्राइक पे नहीं था। देयर वाज अ पोर्शन ऑफ पीपल जो स्ट्राइक पे थे जो यूनियन के अंडर आते हैं, कुछ लोग जो यूनियन के अंडर नहीं स्ट्राइक पे थे वो काम कर रहे थे एंड दे विल कंटिन्यू वर्किंग, और जो यूनियन के साथ भी थे स्ट्राइक पे वो भी अब वापस आज से आ जाएंगे अपने कामों पे, क्योंकि काफी चीजों के ऊपर अग्रीमेंट हो चुके हैं। सिर्फ 35,000 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो अभी भी स्ट्राइक पे रहेंगे और वो इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा, यानी कनाडा इमिग्रेशन के एम्प्लॉयज नहीं है, वो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के एम्प्लॉयज हैं। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के एम्प्लॉयज का काम ये है कि यार जो विद इन कनाडा या कहीं पे भी कनाडा के टैक्स सर्विसेज से रिलेटेड काम है उनको प्रोसेस करना। हाँ, अगर आपकी टैक्स की रिपोर्ट आने वाली है या आपकी इमिग्रेशन की फाइल में कनाडा के कुछ टैक्स के डॉक्यूमेंट्स लगने हैं तो उनमें देर हो सकती है और किसी चीज में देरी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि आप बेझिझक अपने जो स्टडी वीजा की फाइल्स हैं उनको लगा सकते हैं, टूरिस्ट वीजा की फाइल्स जो है लगा सकते हैं। और अब आपको पता ही है कि July 1st को कनाडा डे आने वाला है, तो विजिटर वीजा की फाइल्स बेझिझक आप लगा सकते हैं, चाहे आप दुबई में हैं, क्या इंडिया में हैं, चाहे आप सिंगापुर में हैं, कहीं पे भी हैं, आप अपनी टूरिस्ट वीजा की फाइल्स आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ स्पाउजल वर्क परमिट, स्पाउजल ओपन वर्क परमिट, बहुत लोगों को क्वेश्चन था कि यार कितना के डिले होंगे, तो हो सकता है कि यार जहां पे 3 हफ्ते का टाइम हो वो 1.5-2 हफ्ते का हो जाए, जो 6 महीने का टाइम था वो 8 महीने लग जाए, इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकती। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है कि यार प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स है वो उनकी प्रोसेसिंग कैसी चल रही है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कि कौन से सिटी में परमानेंट रेजिडेंसी के क्या पॉइंट्स और कैसे, तो मैं आपको बता दूं जी हमारी टीम अंडर दी name of study buddy canada immigration is providing all type of immigration services, specially agar hum provincial nominee programs ki baat kare, rural and northern immigrant program ki baat kare jisme work permit aur pr aapki india mein baithe baithe dono cheeze ho sakti hain. Teesri cheez ki hum baat karte hain jo spousal open work permits hain ya fir aapke tourist visa ki files hain, parents ka tourist visa hai,
एनी टाइप ऑफ सर्विसेज इफ यू वांट, आप हमें ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी इंफॉर्मेशन है। किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो चेक सर्विसेज की टीम आपके लिए स्टूडेंट वीजा की हर तरह की फाइलिंग, गाइडेंस, SOP बनाना, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाना, किसी भी तरह की अगर आपको सर्विसेज चाहिए थ्रू आउट कैनेडा, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है तो चेक सर्विसेज की टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल है apply@checkcheckservices.com और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारी वीडियोस के थ्रू अपडेटेड प्रोग्राम्स जानने के लिए, और अगर कनाडा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है तो डेफिनेटली हमारी इंफॉर्मेशन आपके काफी काम आ सकती है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन जेन्युइन, अच्छी, ऑथेंटिक और रिलायबल लगती है तो प्लीज आप, जैसे अगर आप एंड तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी वीडियो के एंड में दूसरी वीडियोस का सजेशन एंड स्क्रीन पे आ जाएगा। डू वॉच देम, गिव अस फीडबैक, अपने कॉमेंट्स छोड़िए, आपको वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू शेयर। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत, हंसते मुस्कुराते रहो जी, रख रखा।